नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से करण जी के की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करण जी के की इस सीरीज में आज हम चंद्रयान के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे और ये अपना लास्ट पार्ट होगा। इसके तहत हम एक तो चंद्रमा के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अलावा जो चंद्रयान फर्स्ट है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं उसको हम जानेंगे। इससे पहले हमने चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी ली थी और यान जो GSLV-M के थर्ड हैं उसके बारे में चर्चा की थी और जो इसको लॉन्च करने वाली संस्था है इसरो, उसको जानने का प्रयास किया था। इसरो के संदर्भ में यदि मैं कहूं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसके 50 वर्ष 15 अगस्त 2019 को पूरे हो रहे हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो अब मैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बेसिक बातें करूंगा। हालांकि इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आपसे वो चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड को कंपैरिजन करवा सकता है और कंपैरिजन के तहत हो सकता है कि चंद्रयान फर्स्ट पे क्वेश्चन पुनः आने लग जाए। तो हेडिंग डाल दीजिए चंद्रयान फर्स्ट। देखिए, यदि चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो अक्टूबर 2008 में इसे PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कई जगह आप 2009 पढ़ते होंगे। 2009 का लॉजिक ये है कि 2009 में इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अब देखो, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था इसका मतलब पृथ्वी की कक्षा नहीं है। तो भारत का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम था जिसे पृथ्वी से बाहर की कक्षा में स्थापित किया गया था। अब इसमें क्या क्या काम हुए उसको जानेंगे। इसको जो लॉन्च किया गया, ये किया गया अक्टूबर 2008 में और ये लॉन्च किया गया था PSLV-C11 के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना और पूछा भी गया है। ये जैसे GSLV अपनों ने किया था ना, वैसे एक तरीके का यान है। यदि हम ये सीरीज होती है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये विश्व का सबसे विश्वसनीय अंतरिक्ष यान है, सबसे विश्वसनीय। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इससे जितने भी हमने प्रक्षेपण किए हैं, जो लॉन्चिंग की है, वो लगभग सफल हुई है और अन्य देश भी इस पर विश्वास करते हैं। तो आप अखबारों में ये पढ़ते भी होंगे कि भारत की सहायता से कई देश जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये भी क्या करते हैं, अपने उपग्रह इसके माध्यम से लॉन्चिंग करवाते हैं। क्योंकि एक तो ये विश्वसनीय है, दूसरा सबसे सस्ता है। एक लाइन लिख दीजिए, विश्व का सबसे सस्ता व विश्वसनीय, यहां पर विश्वसनीय साथ में है, ध्यान रखें, विश्वसनीय अंतरिक्ष यान स्पेस व्हीकल, ये PSLV होता है और C11 वगैरह ये सीरीज होती है। अब देखिए, इसने जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था ये किया था इसने अगस्त 2009 में, ये ध्यान रखें। आप यहां कह सकते हो भारत का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसे पृथ्वी से बाहर की कक्षा में
स्थापित किया गया। क्लियर? पृथ्वी से बाहर की कक्षा में स्थापित किया गया था। उसके बाद तो हम मंगलयान 2013 में ले गए थे, वो नेक्स्ट था। तो भारत से, पृथ्वी से बाहर की कक्षा में स्थापित किया गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई, विशेष क्या बात हुई, इसमें भारत व नासा के कई उपकरण लगे, मतलब नासा की सहायता ली थी अपनों ने। यहां हमने नासा की सहायता ली थी। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, भारत के 5 उपकरण लगे थे, नासा के 6 लगे थे। तो ये अपना पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं था, जबकि चंद्रयान 2 के बारे में कहा गया है कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी था, इसमें केवल भारत का योगदान था। ये थोड़ा अंतर ध्यान रखें। चंद्रयान 1 में हम नासा के भी उपकरण लगे थे, जबकि चंद्रयान 2 में नासा के उपकरण नहीं है। तो उसको स्वदेशी के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। आप एक नोट डाल के लिख दीजिए, चंद्रयान 2 पूर्ण रूप से स्वदेशी था, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। अब आप इसको पहला नंबर डाल दीजिए और आगे हम बात करेंगे दूसरे की, विशेष में दूसरा पॉइंट, बिखराव मत करें, ठीक है? ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा। यहां जो प्रमुख यान, प्रमुख उपकरण था, ये था मून इम्पैक्ट प्रोब। प्रमुख उपकरण ये था, मून इम्पैक्ट प्रोब था ये। इसने ये जो इसने चंद्रमा की सतह पर तिरंगा फहराया था, चंद्रमा की सतह पर तिरंगा फहराया। इस बार जो चंद्रयान 2 में भेजा है वो रोवर के नाम से ज्यादा जाना जा रहा है। याद कीजिए, प्रज्ञान किया था उन्होंने, लैंडर है। दूसरा, चंद्रमा की सतह पर पानी के साक्ष्य प्राप्त किए। साक्ष्य मतलब एविडेंस बोलते हैं इसको। अब देखिए, इसने पानी के साक्ष्य प्राप्त किए थे और चंद्रयान 2 जो है इसकी पुष्टि करेगा। नोट डाल के लिखिए, चंद्रयान 2 इसकी पुष्टि करेगा। पुष्टि मतलब प्रूव करेगा, इसको पता लगाएगा इसका। यहां तो एविडेंस, हमें एविडेंस से क्या पता लगा ऐसा है, और इसको ये चंद्रयान 2 इसको प्रूव करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे वकील होता है, वकील एविडेंस इकट्ठे करता है, फिर बाद में कोर्ट में जाकर उसको क्या करता है, प्रूव करता है। क्लियर? ये दोनों में अंतर होता है। चौथा, हीलियम गैस की उपस्थिति के जांच की, हीलियम गैस की उपस्थिति की जांच की।
यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, हीलियम गैस की उपस्थिति की जांच की। हीलियम गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है? ईंधन के रूप में, और ये बहुत अच्छा सोर्सेज है। तो एक तो ये भी ध्यान रखना, हीलियम गैस साइंस की दृष्टि से देखें तो सबसे हल्की अक्रियाशील गैस है, ध्यान रखना, अक्रियाशील गैस है। वैसे ओवरऑल सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, सबसे हल्की मैंने लिखा है अक्रियाशील गैस, ओवरऑल हाइड्रोजन होती है। क्लियर? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, चंद्रयान थर्ड आगामी रहेगा अपना, उसकी बात करते हैं अभी। चंद्रयान फर्स्ट में हम इतनी ही बात करेंगे, और कोई अन्य कोई मुझे यदि लगा तो मैं आपको ऐड करा दूंगा। वैसे अभी फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं है, चंद्रयान टू में भी ऐसी कोई घटना नहीं है। कोई स्वदेशी टाइप के कोई अन्य पॉइंट थे, वो मैंने यहाँ डलवा दिए हैं। अब देखिए, चंद्रयान थर्ड ये आगामी रहेगा, यहाँ पर मनुष्य को चंद्रमा की सतह पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब मनुष्य को भेजा जाएगा, भारत भेजेगा। चंद्रयान थर्ड ये जो लॉन्च होगा 2021-22 में, और संभावित है, ये क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। विशेष क्या होगा, भारत चंद्रमा पर मनुष्य को उतारेगा। ये इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट चरण के तहत अपने चंद्रमा की थोड़ी बेसिक बात करेंगे। अभी चंद्रमा पर और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट होता है, लेकिन मैं इसको यहीं पर उपलब्ध करवाता हूँ। चंद्रमा बेसिकली बात करें तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोग्राफी। सेलेनोग्राफी इसका अध्ययन कहलाता है। और यदि हम ये कहें कि इसका निकनेम क्या है, इसका निकनेम होता है जीवाश्म ग्रह, आप कह सकते हो फॉसिल्स प्लेनेट, इसका निकनेम होता है। और इतना आप जानते ही हो कि ये जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वन एंड ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, तत्व मतलब एलिमेंट, ऑक्सीजन और सिलिकेट पाए जाते हैं। और एक इसका अपने अक्ष पर जो झुकाव होता है 5 डिग्री होता है, जैसे पृथ्वी झुकी होती है ना 23.5 डिग्री पर, वैसे। अक्ष पर झुकाव जो होता है 5 डिग्री होता है। अब देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड।
पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। यह था 1 मिनट 28 सेकेंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट, अब देखिए कई बातें हैं, जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, जैसे आप कह सकते हो कि एक चंद्रमा का हमें एक ही तल क्यों दिखाई देता है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए वायुमंडल नहीं है, देखिए वायुमंडल क्यों नहीं है, पहली बात तो ये उठती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि एक तो यहाँ पर क्या होता है, जी का मान कम होता है। पहली बात तो जी क्या होता है, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप कह सकते हो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण उसका मान कम होता है। आप जानते भी हो, इतना ये कभी पढ़ा हो कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। बकायदा फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, ऑप्शन में डाल देता है 1/6, 1/2, 1/3 बराबर इस तरीके से डाल देता है, तो 1/6 होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जी कम होता है वहाँ पर। अब जी कम होगा तो ऑब्वियसली बात है, हम जैसे आपने कभी पढ़ा हो एस्केप वेलोसिटी होती है ये √2gr होती है, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो √g, तो जी यदि कम है चंद्रमा पर तो ऑब्वियसली बात है प्लाइन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लाइन वेग होता है एस्केप वेलोसिटी वो भी क्या कम होती है, तो गुरुत्वीय त्वरण और प्लाइन वेग के कम होने के कारण यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, आप ऐसे देखते हो कि आप देखिए कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। एक लाइन और लिख दीजिए, इसी कारण से चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है। आप जानते हो सदाबहार क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है ये, बहुत बार पूछा जाता है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो चंद्रमा पर परिक्रमण काल, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन पीरियड, एक होता है परिभ्रमण काल, इसको कहते हैं रोटेशनल पीरियड। ये जो होती है पथ पर गति होती है, मोमेंट ऑन पाथ, पथ पर गति होती है ये। आप कह सकते हो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों परिक्रमण काल जो होता है पथ पर गति होती है पृथ्वी के चारों ओर। इतना तो आप समझते हो कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उपग्रह है, तो वो परिक्रमण काल होता है। ये जो होती है
अक्ष पर गति होती है, मूवमेंट ऑन एक्सिस इंग्लिश में जो लिखना चाहे, ये क्या होता है, ये चंद्रमा अपने अक्ष पर गति करता है, लिख दी थी, चंद्रमा अक्ष पर गति करता है। अब ये दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं 27.5 दिन, दोनों का काल एक ही होता है। जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में तो देखो अलग अलग होता है, पृथ्वी में यदि परिक्रमण काल की बात करें तो 365 दिन, और इसकी बात करें तो 24 घंटे, वो एक्यूरेट आप जानते ही हो, तो माने तो 365 और इसको 24 घंटे के रूप में मानते हैं हम अपने, और इसका 27.5 दिन होता है। अब देखिए ये जो 27.5 दिन होता है इसके प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही तल दिखाई देता है, चंद्रमा का केवल एक ही तल दिखाई देता है, एक ही सरफेस दिखाई देगा। अब यदि हम कहें इस एक ही तल दिखाई देगा तो इसका मतलब हम चंद्रमा को पूरा कभी नहीं देख सकते, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा के केवल 59% भाग को ही देखा जा सकता है और 41% भाग हम नहीं देख सकते। इसका जो 59% भाग है और 41% भाग है, इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसे पृथ्वी से नहीं देख सकते। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, कब रखा था और करंट से कैसे टच करते हैं उसको। आइए चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो ये अमेरिका के थे, पहली बात तो हम यहां कई बातें करेंगे, जैसे एक तो कब रखा, क्लियर, दूसरा कहां रखा, तीसरा यान कौन सा था, इनको हम लेके चर्चा करेंगे। देखिए यदि हम कहें कब रखा तो ये रखा था 20 जुलाई 1969। अब आप समझ जाइए 20 जुलाई 1969 है तो चंद्रमा पर कदम रखने के 50 वर्ष पूरे किए जा चुके हैं। 50 वर्ष स्टार डाल के या नोट डाल के लिख दीजिए 20 जुलाई 2019 को 50 वर्ष पूर्ण। और कहां रखा,
स्थान कौन सा था? ये था सी ऑफ ट्रैक्यूबिलिटी, सी ऑफ ट्रैक्यूबिलिटी, इसे शांत सागर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यान कौन सा था सभी जानते हो, अपोलो 11, अपोलो 11 ये यान था। क्लियर होगी बात? बहुत बेसिक बातें हैं और जरूर पूछने की पूरी उम्मीद बनती है। मैंने पहले ही कह दिया 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसरो पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ये नील आर्मस्ट्रांग पे क्वेश्चन जरूर आएगा, उपलब्धियां हैं ये सारी। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयास किया, एक स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास किया। मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक यहाँ पर फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर भी यदि कोई नई चीज़ अपने सामने आती है, क्वेश्चन के रूप में आती है, या हम किसी अन्य चीज़ में पढ़ते हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में ऐड करवा दूँगा। तो आप इसमें साथ साथ बने रहें, हर वीडियो को, हर सीरीज को ध्यान से देखिए, साथ साथ लिखते जाइए और उसको साथ साथ अपडेट रखिए। जैसे अपनों ने यहाँ अपडेट किया ना, ये ऐसे ऐसे अपडेट रखिए। कोई भी नई बात आती है आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, कोई भी बात आती है, हो सकता है मुझे ना पता हो, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ें पता हो, आप मुझे वो बताइए ताकि उसको अपने अन्य लोगों को, अन्य स्टूडेंट को भी उपलब्ध करवा सकें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज को मैं यहीं विराम देता हूं और आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूर बैठे जो लोग हैं उनको भी ज्ञान मिल सके, नॉलेज मिल सके और हमारा थोड़ा सा योगदान उनकी लाइफ को सेटल करने में हो सके। तो साथ में बने रहिए और इसको लगातार रिवाइज करते रहें। मैं रिवाइज पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और रिवाइज ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, कम पढ़ लीजिए लेकिन जो पढ़ो उसको डट के पढ़ो। आप यदि 80% भी पूरा कर लेते हो और 80% को 80% कर लेते हो तो कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूँगा। नमस्कार।